गुड मॉर्निंग एवरी वन वेलकम टू दी अन अकेडमी सो वेलकम टू दाई फाइ स्टडी एंड दी अन अकेडमी चेंजिंग द वे ऑफ इंडिया ओके राइट देखिए यहाँ पे चलिए से शुरू करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन के साथ तो पहली बात ये कि आज के क्वेश्चन जो है वो उसी तरीके से जैसे हम साइंस के डेली करने लग रहे हैं जनरल साइंस की आपकी डिटेल क्लास जो है वो आपका क्या है यहाँ पे कंप्लीट डिटेल थ्योरी अन अकेडमी पे छह से सात बजे आपकी साइंस की होगी आठ हजार स्ट्रेटिक जी के क्वेश्चन जिसमें साइंस के भी कई सारे क्वेश्चन इंक्लूडेड होंगे ये अट्ठारह अप्रैल यानी कि संडे को आठ ए यानी कि सुबह आठ बजे अपन यहाँ पे शुरू करने लग रहे हैं एस का कॉम्बेट टेस्ट जो है वो आप आराम से दे सकते हैं यहाँ पे और उसके लिए आपका जो टाइम रहता है एस एस के लिए वो बारह बजे यहाँ पे एस के प्राइस रेट भी इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर दिए आपके बहुत ही अच्छे से ताकि आप आराम से क्लासेस जो है वो सब्सक्राइब कर सको अच्छा इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपकी पीडीएफ जो है वो आपकी कमेंट सेक्शन में मिलती है और कल वाली पीडीएफ आपकी कमेंट सेक्शन में भी गई है उसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप पे भी गई है दोनों जगह आपको मिली है राइट अपार्ट फ्रॉम इट अगर आपको जो फ्री क्लासेस छः से सात बजे वाली और सात से आठ बजे वाली देखनी है तो सिंपल है आप एस सेक्शन में अन अकेडमी की ऐप पे फ्री लाइव क्लासेस में जाइए वहां पे शिप्रा चौहान टाइप करिए और फॉलो कर लीजिए फॉलो करने के बाद आपको मेरी क्लासेस जो है ना वो सारी की सारी जो है ना वो बढ़िया तरीके से दिख जाएंगी ठीक है फॉलो करने से पहले वो आपसे एक लिंक पूछेगा या एक कोड पूछेगा तो आपको कोड यहाँ पे क्या याद रखना है और क्या टाइप करना है शिप्रा लाइव

जहाँ पे ओ का एक्टली exactly मतलब होता है कि कोई भी शुगर उनके यहाँ पे नहीं होती है एंटीजन जो है ना वो उनका मौजूद यहाँ पे नहीं होता है एंटीजन तो ओ ब्लड ग्रुप के पास कोई भी एंटीजन नहीं होता है इसीलिए हम इसको यूनिवर्सल डोनर के नाम से जानते हैं ठीक है और ए बी में क्योंकि कि किसी भी तरीके का कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है इसीलिए हम इसको रेसिपिएंट के नाम से जानते हैं तो यस yes, उस क्वेश्चन में आपको आंसर जो है ना वो यही करना था कि नो एंटीबॉडीज ऑन दी प्लाज्मा अच्छा एक चीज और जब भी ये क्वेश्चन आता है ना तो इसमें एक ऑप्शन और भी आता है कि एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा या एंटीबॉडीज ऑन आरबीसी राइट तो आप हमेशा याद रखिए कि प्लाज्मा में तो हमेशा एंटीबॉडीज होती हैं और रेड ब्लड सेल्स पे हमेशा एंटीजन होते हैं और हमारा ब्लड ग्रुप आइडेंटिफाई किसकी वजह से किया जाता है हमारा ब्लड ग्रुप जो है ना वो आइडेंटिफाई किया जाता है ऑन दी प्रेजेंस ऑफ या ऑन प्रेजेंस ऑफ दी जो कि में मौजूद याद ठीक है ठीके? तो अगर ए एंटीजन मौजूद होगा तो ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा बी एंटीजन मौजूद होगा तो ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा और ए और बी दोनों एंटीजन मौजूद होंगे तो ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा और कोई भी एंटीजन नहीं होगा तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा नन

उसमें जो है ना एंटीबॉडीज जो है ना वो किसी भी तरीके के नहीं पाए जाते यानी कि प्रतिरक्षी जो है वो किसी भी तरीके के नहीं पाए जाते इसीलिए वो कोई भी उसको ब्लड देगा तो क्योंकि उसके शरीर में एंटीबॉडीज जो है वो मौजूद है ही नहीं तो जो दूसरा ब्लड आया है ना वो लड़ेगा नहीं यानी कि दूसरा ब्लड जो एड किया है हमने वहां पे तो उसकी ना जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो दूसरे ब्लड के साथ किसी भी तरीके की कोशन नहीं करता है रक्त का थक्का नहीं जमाता है तो एंटीजन हम प्रति के लिए बोलते हैं और एंटी बॉडीज जो है वो हम प्रति रक्षी के लिए यहाँ पे बोलते हैं तो समझ आ गया ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर किसी भी तरीके की एंटीबॉडीज या प्रतिरक्षी नहीं पाए जाते हैं और जो ओ ब्लड ग्रुप होता है उसमें किसी भी तरीके के एंटीजन यानी कि प्रतिजन नहीं पाए जाते हैं बराबर है चलिए अच्छा ये वाले अच्छा ये वाले एंटीबॉडीज नहीं है जैसे अब आपने कोरोना यहाँ पे हुआ है आ लकी देखो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी कोरोना है कोरोना से वैक्सीनेशन दी जा रही है तो वैक्सीनेशन में आपके बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज जा रहे हैं ये एंटीबॉडीज और ये एंटीबॉडीज ये डिफर करते हैं ये दूसरे एंटीबॉडीज हैं जो हमारे ब्लड बना रहे हैं ना ये दूसरे एंटीबॉडीज हैं और जब हालांकि कॉन्सेप्ट वही है कॉन्सेप्ट वही है लेकिन जो एंटीबॉडीज आपका बॉडी किसी वैक्सीनेशन के बाद बनाता है वो अलग होता है और जो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी ए बी या ब्लड ग्रुप के हिसाब से क्रिएट करती है ना वो अलग होता है तो ऐसे तो अगर यही एंटीबॉडीज पे किसी का जो इम्यूनिटी है वो डिपेंड करता है तो कभी भी ए ब्लड ग्रुप वाला ए बी जिसका ब्लड ग्रुप होता तो उसके पास तो एंटीबॉडीज है ही नहीं तो तो तुरंत ही उसको बीमारी हो जाती है इम्यूनिटी सिस्टम लो होता ऐसा तो होता नहीं है ना तो ये दोनों कॉन्सेप्ट अलग है इसको कभी ब्लड वाली क्लास में ना अपन डिटेल में कर लेंगे ठीक है कोरोना के टाइम पे जो एंटीबॉडीज बन रहे हैं वो अलग है चलिए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पे अच्छा पीडीएफ आपको मिला है यहाँ पे अगर नहीं मिला है तो आप मुझे बता दीजिए दोनों पीडीएफ कल वाले और आज वाले अपडेट कर देते हैं यहाँ पे पीडीएफ आपको कमेंट सेक्शन में दिया गया था अगर नहीं मिला है तो बता दीजिए वापिस से इस वाले पीडीएफ के साथ जो आज वाला है उसके साथ वापिस उसको चिपकवा देंगे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन परत के अवशयक एक मुख्य कारण होता है यानी कि ओजोन जो डिप्लीट हो रही है आपको पता होगा कि हाल फिलहाल में एक नई न्यूज और भी आ रही है कि जो अटलांटिक ओशन है ना ये अटलांटिक ओशन जो है पूरा का पूरा वहाँ पे सारी की सारी बर्फ़ पिघल के ना पूरी जा रही है और कौन सा ग्लेशियर पिघल रहा है तो आर्कटिक और अंटार्किक के पूरे पूरे ग्लेशियर जो है ना वो यहाँ पे पिघलने लग रहे हैं ठीक है तो थोड़ा सा ना ये समझिएगा अभी रिसेंट न्यूज के हिसाब से ये आया है कि जो आर्कटिक ओशन है और एंटार्कटिक ओशन है खासकर एंटार्कटिक ओशन की बात करें तो ओशन के पूरे पूरे मतलब एक एक कंट्री के साइज के जो ग्लेशियर्स है ना वो पिघल रहे हैं ओजोन लेयर की डिप्लीशन की वजह से तो आप इसमें हमेशा याद रखिए इस क्वेश्चन में हमेशा सी और हेलोन्स करके आंसर करते हैं क्या लिखते हैं क्लोरो या सी एफ एल करके और हेलॉन्स हमेशा ये ग्रीन जो हमारी जो ओजोन लेयर है ना उसको डिप्लीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कपूर का उपयोग अक्सर आणविक द्रव्यमान निर्धारण करने में किया जाता है क्यों जब भी हम ये बोलते हैं ना कि भाई कैंफर है कपूर जिसको हम बोलते हैं ना तो कपूर को ना हम इस्तेमाल करते हैं अपना बेस बना के और जो दूसरे जो एलिमेंट्स है ना उनके मास को हम डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं क्यों इस्तेमाल करते हैं कपूर को हाँ जी अटलांटिक ओशन में नहीं अटलांटिक तो ओशन है अटलांटिक ओशन में होल बड़ा कैसे हो जाएगा ओजोन का होल बड़ा हो गया है जिसकी वजह से आर्कटिक की जो बर्फ है वो पिघल रही है बहुत ज्यादा ये है सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ठीक है आर्कटिक ओशन की जो बर्फ है वो पिघल रही है और इतनी ज्यादा पिघल रही है क्योंकि क्वेश्चन कट रहे क्या अच्छा कार्बनिक पदार्थ गायब हो गया है चलिए आप आंसर करिए वैसे बहुत जो इसका आंसर है वो सामने लिखा हुआ है कैंफर uh, को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये क्या होता है ये बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है ठीक है अभी दिख रहा है ना पूरा क्वेश्चन पे ओके डन कैंफर जो है उसको इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि कैंफर वॉलेटाइल होता है और आराम से अपनी जो स्टेट है ना सॉलिड से गैस में बदल लेता है तो इसीलिए हम इसको यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं वॉलेटाइल की वजह से इस्तेमाल करते हैं ठीक है ठीके? क्रायोस्कोपिक प्रॉपर्टीज नहीं होती है कैंफर के अंदर एक धातु की तार में विद्युत धारा किस चीज के कारण प्रवाह करती है बताइए इलेक्ट्रिक करंट इन मेटल वायर इस फ्लो ऑफ तो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिसिटी जब भी हमने डिफाइन किया तो आपको याद रखना है इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन ही क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी की या विद्युत की डेफिनेशन होती है दैट इज इलेक्ट्रॉन्स का बहाव या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ठीक है ये बहाव वाला नहीं है पानी की तरह इनर एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है ना उसकी जो फ्लो होती है उसके हिसाब से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाते हैं सिल्वर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का बहुत अच्छा सोर्स होता है सिल्वर और कॉपर करके हम डिफाइन करते हैं नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हीट ट्रांसफर इन लिक्विड एंड गैसेज इज असेंशियली ड्यू टू द्रव और गैस लिक्विड और गैसेज के अंदर जो हमारी हीट ट्रांसफर होती है वो किसके कारण होती है यहाँ पे तो आपको इसके लिए कन्वेक्शन करंट जो है वो याद रखे जब भी हीट जो है वो लिक्विड और गैसेज में ट्रांसफर होगी तो कौन सी करंट के द्वारा या किस एनर्जी के ट्रांसफर के द्वारा होगी तो आप हमेशा आंसर यहाँ पे क्या लिखिएगा कन्वेक्शन करंट जो है ना वो याद रखना है कन्वेक्शन कंडक्शन रेडिएशन देखिए जब भी बल्क में मॉलिक्यूल्स जब भी मॉलिक्यूल्स बल्क में यानी कि बहुत ज्यादा नंबर में अगर ट्रांसफर होते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह तब आप उसको हमेशा क्या बोलते हो कन्वेक्शन करके डिफाइन करते हो क्या बोलते हो कन्वेक्शन तो कन्वेक्शन कंडक्शन तीन चीजें होती है यहाँ पे कन्वेक्शन कंडक्शन और रेडिएशन जब भी हम ये बोले कि हीट अगर डायरेक्ट ट्रांसफर हो रही है मान लीजिए कि कोई गर्म चीज यहाँ पे रखी हुई है ना और गर्म चीज के पास बिल्कुल पास में एक बर्तन रखा हुआ है जिसमें ठंडी चीज रखी हुई है तो अगर ये यहाँ पे अगर हीट एक दूसरे की ट्रांसफर हो रही है ना तब हम उसको बोलते हैं कंडक्शन इन तीनों में अच्छा अंतर याद रखे चालकता बोला जाता है कंडक्शन चालकता का मतलब क्या हो गया जिसमें फ्लो हो रहा है यहाँ पे जैसे कंडक्टर्स होते हैं सिल्वर या कॉपर जो है वो अच्छा कंडक्टर होता है गुड चालक गुड कंडक्टर यानी कि अच्छा चालक बोला जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स आराम से फ्लो कर जाते हैं वैसे ही समझो आप कोई भी गर्म चीज रखी है और कोई भी ठंडी चीज रखी है तो गर्म से ठंडी और ठंडी से गर्म जो हीट ट्रांसफर होती है ना उसको हम बोलते हैं कंडक्शन करके ठीक है अगर कभी भी ऐसा है कि भाई हीट ट्रांसफर बल्क में हो रहा है और बहुत ज्यादा हो रहा है और दूर भी रखी है कोई भी चीज ना तो भी यहाँ पे किया जा रहा है कन्वेक्शन अगर हम बोलते हैं तो लिक्विड और गैसेस में कन्वेक्शन इस्तेमाल किया जाता है जैसे बॉइलिंग पॉइंट है या बॉइलिंग वाटर है जब हमने किसी भी ठंडे पानी को गर्म पानी के साथ मिक्स कर दिया ठीक है मिक्स कर दिया ये हमने दूर दूर रखे तो कंडक्शन और मिक्स अगर हमने कर दिया तो हो गया आपका कन्वेक्शन रेडिएशन जैसे धूप की धूप होती है वो रेडिएशन हो गया सूरज की किरणें आ रही हैं रेडिएट कर रही हैं पृथ्वी को और पृथ्वी गर्म हो रही है उस कंडीशन में ना रेडिएशन बोला जाता है ठीक है तो इस क्वेश्चन का आंसर हीट ट्रांसफर इन लिक्विड एंड गैसेज तब आपको आंसर क्या करना है कन्वेक्शन करना है पहले ही बता दीजिए समझ आया आपको ये चीज कंडक्शन और कन्वेक्शन समझ आया कंडक्शन कन्वेक्शन कंडक्शन जहां पे एक गर्म चीज एक ठंडी चीज आपस में रखी है और हीट जो है वो ट्रांसफर हो रही है दोनों के बस आपस में रखने से कन्वेक्शन दो चीजों को आपस में मिला दिया और उसके बाद जो बल्क में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं ना या जो आइन्स हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं तब हम उसको कन्वेक्शन करके बोलते हैं नेक्स्ट देखिए यहाँ पे वह तत्व जिसके अड़ुओं में तीन संयुक्त इलेक्ट्रॉन संयोजकता जो है वो होती है वो किसका उदाहरण है एन एलिमेंट हूज एटमेंस इलेक्ट्रॉन तीन बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से एलिमेंट के अंदर होते हैं एग्जाम्पल बता दीजिए सिलिकॉन कॉपर जर्मेनियम या एल्यूमिनियम तीन बैलेंस इलेक्ट्रॉन ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा फिर आंसर करिएगा तीन बैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि संयोजक इलेक्ट्रॉन जो है वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन तीन कौन से इलेक्ट्रॉन में पाए जाते हैं यस yes, एग्जैक्टली exactly. कभी भी हम ठोस चीजें बोलते हैं तो उसके लिए कंडक्शन होता है आ, लिक्विड और गैसेस बोलते हैं तो कन्वेक्शन होता है और सूरज की रोशनी जो होती है वो रेडिएशन विजेंद्र कुमार बहुत ही शानदार बहुत बढ़िया ये बताइए यहाँ पे किसी को दिक्कत तो नहीं है इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ पे सिलिकॉन जब हम बोलते हैं तो सिलिकॉन में चार है ना कॉपर हमने बोला तो कॉपर का एटॉमिक नंबर ट्वेंटी नाइन और इसकी अगर हम यहाँ पे जो उसकी पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको लिखेंगे तो 4s2 और 3d10 आएगा यहाँ पे है ना तो उसमें तो वो खाली नहीं रहता है जर्मेनियम जो है ये क्या हो गया आर्सेनिक और जर्मेनियम ये मेटलॉइड करके बोले एल्युमिनियम हमेशा याद रखिए एल्युमिनियम को आप रिप्रेजेंट भी ए एल प्लस थ्री से ही करते हो यानी कि अपने तीन इलेक्ट्रॉन्स को दान में दे सकता है जो उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं नेक्स्ट देखिए सिगरेट का जो लाइटर होता है ना उसमें कौन सी गैस जो है वो भरी जाती है देखो लाइटर अब इस्तेमाल करें नहीं करें सिगरेट इस्तेमाल करें नहीं करें बट क्वेश्चन में आंसर बता होना चाहिए तो कभी भी हम बोलते हैं ना कि एनी कौन सी गैस लाइटर के अंदर या सिगरेट लाइटर के अंदर भरी होती है तो क्या आंसर करना है ब्यूटेन करके याद रखिए अच्छा ब्यूटेन क्या है कार्बन जहां पे चार कार्बन जो है वो अरेंज होते हैं मीथेन में कितने कार्बन होते हैं सिंगल प्रोपेन में कितने कार्बन होते हैं तीन इथेन में कितने कार्बन होते हैं C2 और ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं चार तो हमेशा याद रखिए जब भी ब्यूटेन हम लिखते हैं और एन का फॉर्मूला होता है सी एन एच टू एन प्लस टू ठीक है सी एन एच टू एन प्लस टू यानी कितना हो गया सी एच सी करेंगे तो ब्यूटेन करके आंसर याद रखना है सारे कार्बन के नंबर याद रखिएगा ये एन है इन होगा तो माइनस टू हो जाएगा और आईन होगा तो और ज्यादा माइनस टू यहाँ पे अपन डिफाइन कर देंगे तो ब्यूटेन करके याद रखिए फोटॉन्स क्या होते हैं नेगेटिव अब फोटो होते क्या फोटॉन्स जो है ना वो लाइट की सबसे छोटी इकाई को बोला जाता है यानी कि

बताइए यहाँ पे फोटॉन्स जो हैं वो क्या होते हैं तो फोटॉन्स आप हमेशा याद रखिए नेगेटिवली आ, न्यूट्रल बोला जाता है न्यूट्रल न्यूट्रल करके बोलते हैं जबकि लाइट जो होती है ना उसको हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो नेगेटिवली चार्ज हो गए और कंडक्टर जैसे वो घूमता है जो हमने सेल अरेंज करते हैं या जो हम पूरा का पूरा एक सर्किट अरेंज करते हैं वो पॉजिटिव टू नेगेटिव वो न्यूट्रल नहीं होता है जबकि अगर लाइट की छोटी इकाई फोटोन की बात करेंगे तो फोटोन आपकी क्या होगी उदासीन अरे नहीं 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 कैसे फोटोन फोटोन हमेशा आपके न्यूट्रल चार्ज होते हैं अरे अच्छा इसमें दिक्कत थी आप लोगों को फोटोन जो है वो न्यूट्रल चार्ज होते हैं फोटॉन्स जो हैं ये लाइट की सबसे छोटी इकाई बोली जाती है ये हमेशा न्यूट्रल चार्ज होते हैं इसीलिए मैंने बताया कि लाइट को अगर आप बोलोगे तो लाइट में इलेक्ट्रॉन्स का प्रभाव जो है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं वो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे और जो बैटरी होती है उसमें हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव जो है वो मूवमेंट यहां पे किया जाता है तो फोटॉन्स आर ऑलवेज नेगेटिव ठीक सॉरी फोटॉन्स आर ऑलवेज न्यूट्रल यानी कि उदासीन किसने सबसे पहली बार हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे यहाँ पे पहले व्यक्ति कौन थे तो सबसे पहली बात यहाँ पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ही मदद से आज की जो आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो ना वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पढ़ी जाती है यानी कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ही आपको यहाँ पे पीरियोडिक टेबल तक लेके आया है हेनरी मोजले ने उन्नीस में जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी वो इसी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे आधारित थी और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है ना वो क्या है यहाँ पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है वो नील बोर के द्वारा आइडेंटिफाई की गई थी नील बोर ने पूरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया था रद बताओ जरा जिसका काम है उसका क्रेडिट तो उसको देना ही चाहिए ना तो नील बोर करके याद रखिए नेक्स्ट देखिए द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ कॉपर अच्छा अभी मैंने ना इस क्वेश्चन का आंसर पीछे बताया था क्या बोला था उसमें थोड़ा सा चेंज करके पे ना मुझे आप कॉपर का ना वो बता दीजिए कि कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन जो है वो क्या होता है कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन आपसे क्यों पूछी है क्योंकि ये थोड़ा सा एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है आयरन और कॉपर और जिंक ये एक ही पीरियड के एलिमेंट है क्या बोलते हैं आयरन कुबाल्टिकिल कॉपर जिंक बोला जाता है छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस और तीस है ना अब इसमें आप ये याद रखिए आयरन कॉपर और जिंक इन तीनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है थोड़ी सी अजीब कैसे क्योंकि ये अपने सबसे पहले जो अपना सेकेंड सेल शेल है ना उसको कंप्लीट करते हैं लास्ट सेकेंड शेल जो है ना सेकेंड लास्ट शेल जो है उसको कंप्लीट करते हैं और लास्ट वाले शेल को हमेशा इनकम्प्लीट छोड़ते हैं राइट right. हालांकि तीनों का अलग अलग रहेगा यहाँ पे तो वैसे तो आप कैलकुलेट करोगे तो भी आपको समझ आ जाएगा लेकिन वैसे भी आप याद रखिएगा जो हमारी कॉपर होती है 29 इलेक्ट्रॉन जिसका नंबर है यहाँ पे 4s2 3d9 ठीक है 4s2 3d9 भरा अच्छा ये हमने जो यहाँ पे लिखी है पहली बात तो याद रखना सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे कॉमा लगाए गए हैं अदरवाइज कभी भी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन को यानी कि विन्यास लिखने के लिए कभी भी हम कॉमा जो है ना वो इस्तेमाल नहीं करते हैं ठीक है कभी भी हम कॉमा इस्तेमाल नहीं करते हैं दूसरी चीज ये भरा कैसे गया है मतलब पहले 3s 3p देखो बात कहने की ये है कि पहले 3s 3p के बाद 3d आना चाहिए लेकिन यहाँ पे 4s 2 आ रहा है तो ये किसके हिसाब से भरे जाते हैं तो ऑफ प्रिंसिपल के हिसाब से भरे जाते हैं किसके हिसाब से ऑफ प्रिंसिपल के हिसाब से इसको भरा जाता है राइट अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो इन एन एटम ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ़ ऑर्बिटल इज गवर्न बाय परमाणुओं में कक्ष को भरने के लिए कक्ष को भरने का जो क्रम नियम है वो किसके द्वारा दिया गया था बताइए हाँ इसीलिए मैंने बोला ना लास्ट में नौ कैसे आया वही चीज़ जो है ना अब इससे एक्सप्लेन करते हैं पहले आप इसका आंसर करो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि लास्ट में जो है ना वो नौ कैसे आया अब आप हमेशा याद रखो जब भी हम किसी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो हमारे पास एक रूल है जिसके हिसाब से हमने लिखा है अब जैसे कॉपर था कॉपर ट्वेंटी नाइन है जिंक जो है वो थर्टी है मरकरी जो है वो एट्टी हो गया लेड हो गया एट्टी टू करके यहाँ पे या आयरन जैसे आयोडीन है वो फिफ्टी थ्री हो गया ब्रोमिन थर्टी फाइव हो गया

मतलब उसकी जो स्पीड है वो और उसका मास यानी कि किसी भी एलिमेंट का आप द्रव्यमान और उसकी जो वेलोसिटी है जिस वेग के साथ वो घूम ना ये दोनों चीजें आप एक साथ नहीं निकाल सकते हो इसको हम हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलते हैं हंड्स रूल क्या होता है हंड्स रूल क्या हो गया कि भाई जब आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन को एस या पी ब्लॉक में भरते हो तो हंड्स रूल होता है कि पहले आप उसको सिंगल भरोगे ऐसे करके उसके बाद आप उसकी डबलिंग करना शुरू करोगे ठीक है ये एटम स्ट्रक्चर का जो है ना ये एडवांस लेवल होता है तो यहाँ पे सिर्फ आप इतना समझ लो कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है किसी भी इलेक्ट्रॉन की वो ऐसे भरी जाती है और ये हमने निकाला है प्रिंसिपल प्रिंसिपल कैसे काम करता है वो ऐसे काम करता है जैसे ये ये देखो 1S के साथ हम शुरू करते हैं 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, ये तो हमने लिख लिया वर्टिकल लाइन में ठीक है लेकिन इसी चीज को मैं हॉरिजेंटल देखो तो सबसे पहले वन एस राइट जब आ, जो एनर्जी होगी यानी कि प्रिंसिपल नंबर जो होगा वो क्या होगा एन इज इक्वल टू वन जबी हो जाएगा तो हमारे पास टू एस और टू पी आ जाएगा एक हो गया एस ब्लॉक एक हो गया पी ब्लॉक एक हो गया डी ब्लॉक और एक हो गया एफ ब्लॉक करके यहाँ पे तो हम एलिमेंट्स को कैसे भरते हैं ऐसे नहीं भरते हम ये जाता है जो एरो आपको दिख रहा है पहले वन एस भरा जाएगा फिर घूम के आएगा टू एस भरा जाएगा फिर

और सारी चीजें जो है ना आप ये इसको थोड़ा सा समझ के रखो डिटेल्ड जो है ना वो थ्योरी जब आप करोगे तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा सो हाल फिलहाल जो है ना वो क्वेश्चन पे थोड़ा फोकस करके सारे आंसर्स कर दीजिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे सिर्फ आज के लिए इतना याद रख लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन जिस तरीके से भरी जाती है वो ऑफ बाउ प्रिंसिपल के हिसाब से भरी जाती है जहां पे हमने एस पी डी और एफ ब्लॉक को अलग अलग चार सेक्शन में उनके एनर्जी के लेवल के हिसाब से भर दिए तो कभी भी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भरी जाएगी तो ऑफ वो प्रिंसिपल के हिसाब से भले ही थ्री डी बाद में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है थ्री डी को बाद में भरी है फोर एस को पहले भर दीजिए ये कहने का यहाँ पे मतलब है अच्छा अब ये बताइए द एलिमेंट हैविंग नंबर इज रिलेटेड टू परमाणु संख्या 29 जिसका है ना वो कौन से तत्व से संबंधित रखता है अब आप मुझे ब्लॉक्स आपको बताने हैं तो अभी मैंने इसका आंसर आपको ना क्या बताया लास्ट में क्या है ब्लॉक्स हम कैसे डिफाइन करते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन की कॉन्फिग्रेशन में जो सबसे आखिरी में भरा जाने वाला जो उसका शेल होता है ना वो उसका ब्लॉक डिफाइन करता है तो ट्वेंटी नाइन कौन से ब्लॉक में आएगा डी ब्लॉक में आएगा अब आप समझ पा रहे हो कौन से ब्लॉक में आएगा डी ब्लॉक में आएगा यहाँ पे अच्छा देखो एक सेकंड यहाँ पे इसको देख लो पहले आप ये वाला अब इसका परमाणु क्रमांक और इसका हमने आंसर क्या लिखा था हमने ए आंसर लिखा था तो लास्ट में देखो क्या है थ्री डी भरा जा रहा है यहाँ पे है ना तो आपका ये ब्लॉक क्या हो गया डी ब्लॉक हो गया तो रटना नहीं है आप ऐसे ही समझ जाओ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन के आखिरी में जो चीज होती है थ्री डी नाइन जो है उसमें आखिरी में रखा हुआ है तो इसका ब्लॉक कौन सा हो गया डी ब्लॉक हो गया बस ऐसे करके लर्न करिए ये इंपॉर्टेंट जो है ना वो बढ़िया तरीके से ना समझ आएगा अब ये बताइए न्यूक्लियर न्यूक्लाइड्स हैव सेम एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड एज़ अच्छा न्यूक्लाइड्स जो है ना न्यूक्लिअइड्स जिनको बोला जाता है इनके एटॉमिक नंबर जिनके सेम होते हैं ना उनको हम किस नाम से जानते हैं क्या हुआ क्या डिस्टरबेंस हो रहा है पड़ोस में डीजे अच्छा डीजे बज रहा है तो डिस्टरबेंस हो रहा है तो ईयरफोन लगाइए ना ईयरफोन भगवान ने आपको किस लिए दिए हैं कंपनी क्यों देती है आपको ईयरफोन इसीलिए देती है चलिए बताइए इनको आप क्या बोलते हो? कोई दिक्कत नहीं है कुछ ऐसा नहीं पूछा है तो बड़ा इजी है सेम के दो एलिमेंट्स को या आइसोटोप का आप क्या बोलते हो सेम एटॉमिक नंबर सेम एटॉमिक नंबर अगर हो गया है किन्हीं दो एलिमेंट्स का तो आप क्या बोलोगे अब सेम एटॉमिक नंबर का मतलब समझ रहे हो आपकी जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है ना वो बराबर हो गई है ठीक है तो एटॉमिक नंबर अगर सेम है तो आप उसको क्या बोलोगे आइसोटॉप तो जब मास अलग होता है लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो सेम हो जाता है तो हम उसको क्या बोलेंगे समस्थानिक बोलेंगे कि नहीं बताइए समस्थानिक बोलेंगे ना आइसोटोप सिंपल सी चीज है बस पूछी थोड़ी घुमा के है तो कंफ्यूज नहीं करिए विच वन ऑफ दी फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल एंड ऑल्सो अ सॉलिड निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर धातु नहीं लिखते हैं अधातु लिखते हैं ठीक है इनमें से कौन सा जो है ना वो एक आधातु है और साथ में जो है ना वो एक ठोस तत्व भी बोला जाता है बताओ निम्नलिखित में से कौन सा एक आधातु है और साथ में एक ठोस तत्व भी बोला जाता है आयोडीन मर्करी बोरॉन या फिर चौथा ऑप्शन हाइड्रोजन देखो हाइड्रोजन मेटल नॉन मेटल दोनों है बोरॉन जो है वो मेटलॉइड है

कांच में बैगनी रंग आप आ, बैगनी रंग आपने देखा ना कि जो कांच के आपके ग्लास आते हैं उनसे इमेजिन करो कांच के ग्लास जो आप घर में लेके आते हो वो हर कलर में अवेलेबल होते हैं बाजार में पीले लाल बैगनी गुलाबी जो कलर आपको पसंद है वो कलर यहाँ पे ना लेके आ जाइए आयोडीन मेटेलॉइड नहीं है भैया आयोडीन मेटेलॉइड नहीं है आयोडीन नॉन मेटल है तो कांच में बैंगनी रंग जो है वो किसकी वजह से होता है कांच में बैंगनी रंग कौन सा वर्णक जो है ना बैगनी रंग देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कॉपर सल्फेट अच्छा कल का पीडीएफ आप लोग नहीं पढ़े हो ना कल का पीडीएफ अगर आप पढ़ते हैं तो ये उस क्वेश्चन का थोड़ा सा चेंज है सिर्फ एक ऑप्शन चेंज है मैगनीज धीरज पाल बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे नवदीप थोड़ा आंसर सही से दो भाई बैगनी रंग के लिए कॉपर कॉपर जब भी होता है ना तो कॉपर हमेशा इस्तेमाल होता है नीले रंग के लिए ब्लू कलर के लिए ना हम आ, नीले रंग के लिए हम कॉपर सल्फेट को इस्तेमाल करते हैं बैगनी रंग के लिए हमेशा हम इस्तेमाल करते हैं मैगनीज ठीक है मैगनीज बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है ये और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब जरा सारी चीजें देख लो रंगीन दुनिया में आ जाते हैं एकदम है देखो हरा रंग होगा अच्छा इनके नेचुरल कलर से ही आते हैं ये रंग आयरन जो है ना वो वैसे भी रिप्रेजेंट जब किया जाता है या केमिकली स्ट्रक्चर उसका आयरन का देखा जाए ना तो हरा रंग होता है ब्राउन कलर आयरन सल्फर की वजह से नीला रंग आता है कॉपर की वजह से ठीक है तो कॉपर सल्फेट जो आंसर कर रहे हैं वो लोग याद रखिए कि भाई नीला रंग जो है ना वो कॉपर की वजह से आता है क्रोमियम जो है उसकी वजह से हल्का हरा आता है आयरन की वजह से डार्क ग्रीन आता है और यूरेनियम की वजह से आता है सबसे हल्का रंग ये खतरनाक चीज है ना एकदम भयंकर तरीके की चीज है भाई ये सब एक तो हराई रंग मतलब आधे तो यहाँ पे कई सारे लड़के मेरे ख्याल यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस होगा मतलब दिस इज कॉमन ऐसा कुछ नहीं है लड़कों में कलर ब्लाइंडनेस होता है ज्यादा होता है हर पांच में से एक लड़का कलर ब्लाइंड होता ही है कोई इश्यू नहीं है कोई बड़ी बात नहीं है कुछ नहीं है, मतलब दिक्कत लेकिन एक तो हमें हरे रंग लाल रंग नीले रंग में अंतर नहीं पता लगता ऊपर से लाइट हरा फिर डार्क हरा फिर सबसे डार्क हरा ऐसा होगा तो कंफ्यूजन ही हो जाएगा ये वाला ना चार्ट में आपको दूंगी इसको ध्यान से आप लिख लीजिएगा सबसे पहले एक लाइट कलर जो है वो यूरेनियम की वजह से आता है उससे थोड़ा डार्क जो है वो क्रोमियम की वजह से और आयरन जो है वो डार्क ग्रीन कलर देता है लाल रंग जो है वो गोल्ड की वजह से आता है मैरून रंग जो है वो कॉपर टिन की वजह से आता है और सेलेनियम कैडमियम जो है वो गोल्ड और कॉपर टिन के बीच का जो लाल रंग है ना वो देता है यहाँ पे कैडमियम जो है वो मस्टर्ड येलो कलर देता है एयरबियम B... एयरबियम जो है वो लाइट बैगनी रंग देता है नियोबाइडियम जो है वो डार्क बैगनी रंग देता है और मैगनीस जो है वो वॉयलेट या फिर जैसे हम बोलते हैं ना एकदम भयंकर जो बैगनी कलर होता है ना भयंकर वाला वो बैगनी कलर जो आपको क्वेश्चन पूछा हुआ था कोबाल्ट जो है वो भी नीला रंग देता है लेकिन ये कॉपर और मोलिबिड नियोबिडनम से अलग होता है चलिए कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत तो नहीं हो रही है रंगों को पहचानने के लिए बस ये है कि आप इसको लर्न कर लीजिएगा ये वाला चार्ट लगेगा ना तो आप इसमें बस ये लिख लीजिएगा आयरन की वजह से ये आयरन सल्फर की वजह से ये ऐसे ऐसे करके लिखना है बाकी कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करते हैं तो हमारे जो ग्लास या कांच बनते हैं उसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड का कॉम्पोजिशन सबसे ज्यादा होता है सीओ जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो दस से चौदह परसेंट होता है और सोडियम सोडियम ऑक्साइड जो है वो तेरह से सोलह परसेंट जो है वो बोला जाता है और ये जो है वो मात्रा आपका एक या दो परसेंट है लेकिन ये कलर जो है ना वो बढ़िया से यहाँ पे दे देता है

वो यहाँ पे आ, कौन सा बोला जाता है निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस सबसे अधिक प्रतिक्रियाशीलता दिखाता है कलर मतलब कलर चीजें ये लाइव बनाते भाई कहाँ टेंशन आ रही है अच्छा नेक भी क्वेश्चन से थ्योरी पे आ जाओ तो आधे बच्चे गुस्सा होकर भाग जाते हैं कि भाई थ्योरी क्यों करा है ऐसे है कि गुना है जैसे ना कोई थ्योरी समझाना ना क्लास में गुनाह हो गया है कुछ ना समझाओ ना कलर भी नहीं समझाओ चलिए ठीक है आप क्वेश्चन पढ़िए और आंसर करिए आपको यही चाहिए तो निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस सबसे ज्यादा रिएक्टिव बोला जाता है तो याद रखिए व्हाइट फास्फोरस जो हमारी हड्डियों में भी मौजूद है ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव करके अपना डिफाइन किया जाता है नेक्स्ट देखिए इनमें से कौन सा टीयर गैस का कॉम्पोजिशन है निम्न में से आंसू गैस में इनमें से कौन सी चीज जो है ना वो बताइए यहाँ पे अवेलेबल होती है कौन सी चीज टीयर गैस में मौजूद होती है तो क्या बोलेंगे क्लोरोपिक्रीन करके याद रखिए ठीक या मौजूद होते हैं आ, कंकेव होता कैसा है कनकेव ठीक है कनकेव लेंस ऐसा करके बनाया जाता है लेंस है ये ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया है यहाँ पे तो कनकेव लेंस जो होता है वो हमेशा कैसी इमेज यहाँ पे बनाता है तो याद रखिए हमेशा आसी इमेज बनाता है कैसी आसी यानी कि आभासी और सीधी इमेज जो है ना वो कन्वे कन आ, कन्केव लेंस के द्वारा बनाई जाती है तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट करके याद रखना है आपको ठीक है बराबर है किसी को कोई शक यहाँ पे इस चीज को लेके जब भी हम लेंस मिरर पढ़ेंगे ना लाइट वाले चैप्टर में तब तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी बट एनी वे अ कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स एन इमेज तो आप याद रखिए वर्चुअल एंड डिरेक्ट यानी कि आसी आ, आभासी, आभासी, आभासी 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 और सीधी करके यहाँ पे बोली जाती है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वॉटर पानी में प्रकाश का वेग कितना होगा बताइए आसी करके लर्न करते भैया आसी कासी करके लर्न किया जाता है आसी कासी वाव तीन तरीके की इमेज जो है ना वो आपकी लर्न की जाती है यहाँ पे तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट करके आसी करके लर्न कर लेते हैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म्स बता रही हूँ मैं एक तो है ना आप लोगों को ये चीज लर्न करनी है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर कोई तीन वाला तो नहीं है ना कि थ्री पॉइंट कुछ करके बोलने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर पानी में प्रकाश का वेग कितना होता है यहाँ पे तो टू पॉइंट टू मीटर पर सेकेंड आपको आंसर देना है ठीक है टू पॉइंट टू एट मीटर पर सेकेंड करके आपका आंसर रहेगा नेक्स्ट देखिए विच कलर हैज मिनिमम डेविएशन शानदार क्वेश्चन है Next, कितने लोगों को ये याद है जब भी में से हम लाइट पास करते हैं तो व्हाइट लाइट व्हाइट लाइट दो बार रिफ्रेक्शन करती है जब ये यहाँ से पास होगी तो इसमें सात रंग जो है वो आ जाएंगे ठीक है जब इसमें से हम कलर को देखेंगे तो सात रंग में जो सबसे कम डेविएट करेगा वो होगा लाल रंग और सबसे ज्यादा डेविएशन करने वाला होगा नीला रंग या बैगनी रंग तो द कलर विच मिनिमम डेविएशन न्यूनतम जो डेविएशन है वो किसके द्वारा दिखाई जाती है तो लाल रंग के द्वारा मिनिमम डेविएशन दिखाई जाती है द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट मनुष्य की आंख किसी वस्तु की छवि कहाँ पे बनाता है तो वस्तु की छवि हमेशा बनाई जाती है रेटिना के ऊपर प्यूपल कंट्रोल करता है कि कितनी आंख में रोशनी जानी चाहिए आइरिस जो है वो प्यूपल को कंट्रोल करता है और कॉर्निया है जहां से लाइट एंटर करती है तो कॉर्निया वो पार्ट हो गया आंख का जिसके अंदर से लाइट जो है प्रकाश जो है वो एंटर करता है ये वाला हिस्सा और प्यूपल जो है वो ये देखता है कि कितना लाइट के लिए रास्ता देखना है आयरिस जो है वो लाइट की पूरी इंटेंसिटी को देख के प्यूपल का जो साइज है वो मेंटेन करता है और जाके इमेज जो बनेगी वो कहाँ बनेगी रेटिना जिसको हम क्या बोलते हैं दृष्टि पटल और क्वेश्चन में कभी दृष्टि पटल नहीं लिखा रहता है रेटेना ही लिखा रहता है दृष्टि पटल लिखा ना तो आपको पता लग जाएगा इसीलिए द लाइट इज प्रकाश को ट्रांसवर्स वेव्स बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलते हैं या क्या कल मैंने ना ये वेव्स वाला को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कल की क्लास में कराया था तो मैंने लाइट के बारे में भी बताया था कि इसको किस प्रकार की जो रोशनी है ना या तरंग जो है वो बोला जाता है तो बताइए लाइट को हम किस प्रकार की तरंग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स अनुधर्य और अनुप्रस्थ तो जब भी हम साउंड के लिए बोलते हैं ना तो साउंड हमारी कैसी बोली जाती है लॉन्गिट्यूडनल लेकिन जैसी मैं ट्रांसवर्स वेव बोलू तो क्या हो जाएगी आपकी लाइट को हम क्या बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव्स क्या बात है शानदार अनुप्रस्थ तरंग इनको बोला जाता है तो लाइट जो है वो क्या हो गई अनुप्रस्थ तरंगों के नाम से जानी जाती है मेटोलॉजी के क्वेश्चन प्रशांत करा देंगे चिंता नहीं करो करा देंगे व्हाट इज इज इलेक्ट्रिकली एन एटम अच्छा अभी मैंने पीछे पूछा था कि फोटोन अब आप मुझे बताइए एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली पूछा है तो क्वेश्चन जरा ध्यान से विद्युत रूप से परमाणु क्या होता है विद्युत रूप से परमाणु जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है नेगेटिवली चार्ज होता है क्या रहता है विद्युत रूप से परमाणु जो है वो आपका क्या होता है नेगेटिवली पॉजिटिवली न्यूट्रल या नन ऑफ दिस नन ऑफ अब सॉरी तो क्या रखना है यहाँ पे आंसर आपको इलेक्ट्रिकली एटम जो है वो हमेशा क्या अरे वाह क्या शानदार आंसर कर रहे हैं ना कई बच्चे नेगेटिव उज्जवल भविष्य की तरफ उम्दा कदम रखते हुए याद रखो भाई एटम जो है वो हमेशा न्यूट्रल चार्ज होता है इस चीज के पीछे जे जे थॉमसन रदर फोर्ड बोर कितनी सारी एक्सपेरिमेंट जो है वो करके चले गए हैं वो समझा समझा के परेशान हो गए बेचारे कि एटम जो है वो न्यूट्रल चार्ज होता है आप फिर भी समझने को राजी नहीं हो ए याद रखिए एटम जो है वो हमेशा क्या होता है अपना न्यूट्रल यानी कि उदासीन चार्ज होता है जिसमें से पॉजिटिव उसके न्यूट्रल न्यूट्रल पार्ट होता है न्यूट्रॉन वाला और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव जो दूसरे को एक दूसरे को काउंटर पार्ट करते हैं और हो जाते हैं आपका न्यूट्रल द एटम एज एन इफेक्टिव रेडियस तो अगर मीटर्स में ना एटम की रेडियस निकाली जाएगी तो क्या लिखी जाती है मीटर मीटर ठीक है सेंटीमीटर में यही टेन एस्ट्रोपा माइनस ट्वेल्व लिख दी जाती है यहाँ पे तो जब भी एटम की आपसे रेडियस पूछे तो एटम का रेडियस का मतलब हो गया कि जो उसकी न्यूट्रॉन है उसकी जो सेंटर है यहां से लेके सबसे बाहर वाला जो कक्ष होगा

मोटर जो है वो एक डिवाइस है जो मदद करता है आपको किस चीज को पता लगाने के लिए बताइए टैको मोटर डिवाइस है जो मेजर करने में मदद करता है क्या चीज बताइए मोटर इज अ डिवाइस विच हेल्प इन मेजरिंग वट ये आंसर आप बताइए कई क्योंकि क्वेश्चन एकदम फ्रेश होते हैं बिल्कुल भाप निकलते हुए ना ये वही क्वेश्चन है टैकोमीटर म्यूचुअल इंडक्शन करण बिल्कुल ठीक है यहाँ पे टैकोमीटर किस चीज की अरे वाह क्या बात है कविता बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे टैकोमीटर हमेशा जो है ना वो स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं या स्पीड जो है ना उसको मेजर करने के लिए किए जाते हैं याद याद रखिएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है टैकोमीटर किसके लिए हो गया यहाँ पे स्पीडोमीटर स्पीडोमीटर जिसे हम बोलते हैं ना वैसे जी का फॉर्मूला क्या होता है स्मॉल जी का जो फॉर्मूला हम लिखते हैं ना वो हमें आपसे यूनिट पूछूंगी तो आप फटाफट से बता दोगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अब जरा क्वेश्चन में देखिए और इसमें यूनिट्स जो हैं उसके हिसाब से जरा अपना फॉर्मूला बताइए कि अगर हम यहाँ पे एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या स्मॉल जी की बात करें तो स्मॉल जी जो है ना गुरुत्व तो जो है वो उसमें त्वरण का कारण जो है या जी जो है ना वो कैसे डिफाइन किया जाता है तो कैपिटल जी अपॉन में एम नहीं मतलब एम अपॉन में आर स्क्वायर लिख दे इसको कौन सी कौन सा फॉर्मूला आएगा यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला रहेगा कैपिटल जी ये कैसे निकाला जाता है फोर्स इज इक्वल टू एम इन टू ए राइट या एम इन टू जी एम को एम को काट दिया हमने तो हमारे पास जी एम अपॉन में आर स्क्वायर बच गया कौन सी चीज आ रही है आपकी इसमें जी एम बी लिख दे गया ऑप्शन में यहाँ पे बराबर बैठ रहे हैं ना सबके बी जो है ना वो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट देखिए पे विद रिस्पेक्ट टू द इक्वेशन ऑफ द मोशन विच ऑफ फॉलोइंग इज इनकरेक्ट आपको बताना है इनमें से कौन सी जो है ना वो इनकरेक्ट है पहला क्या है टू ए एस इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर ठीक है इनकरेक्ट बतानी है दूसरी कौन सी है टू एस इज इक्वल टू वी u यू स्क्ट right? एक, एक है आपकी s is equal to plus half square. तो तो अगर आपसे आपको पहली बात तो ये क्लियर हो गया होगा कि ये दोनों चीजें एक दूसरे के वाइस वर्षा लिखे हैं। तो यानी कि c और d तो ठीक है आपको a और b में से बताना है तो बताइए ये फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्र इजी गोल्ड टू टू एयर्स होता है यहाँ पे

भाई बस मुझे जानना है कि जो हमारे ए है ना यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है ना वो क्या है तो आप कैसा बताओगे कि इलेक्ट्रॉन को मैं क्या और बोल सकते हैं ना यहाँ पे या इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं बताओ इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसा पार्टिकल बोला जाता है इलेक्ट्रॉन हमेशा हमारा बीटा पार्टिकल बोला जाता है ठीक है इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या बोला जाता है बीटा पार्टिकल तो आपसे कभी भी कोई पूछे कि व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन इज तो आपको क्या बताना है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बीटा पार्टिकल करके अपन इसको डिफाइन करते हैं सो बी विल बी दी करेक्ट आंसर वॉशिंग मशीन का जो फंक्शन होता है वो किस पे डिपेंड करता है देखो एक चीज होती है सेंट्रीफ्यूगल और एक होता है सेंट्रीपिटल कोई भी चीज अगर केंद्र की तरफ आए ना तो हम उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल क्या बोलते हैं सेंट्री पेट की तरफ ऐसे लान कर लो पे पेट की तरफ कोई चीज आ रही है तो केंद्र की तरफ है ना इस तरफ ऐसे लेकिन अगर कभी भी चीज जो है ना वो केंद्र से दूर हो के पेरीफ्रल यानी कि बाहर की तरफ जा रही है ना अब पेरीफेरी की तरफ जा रही है तब हम उसको बोलते हैं सेंट्री जैसे ये ब्रह्मांड में हमारे जो ये सोलर सिस्टम पूरा हमारा बना है तो इसमें कौन सा बल लगता है सेंट्री लगता है याद रखिएगा कभी आपसे पूछा जाए कि सोलर एनर्जी या सोलर सिस्टम जो है वो किस टाइप की एनर्जी पे बना हुआ है तो सेंट्रीफ्यूगल आंसर याद रखिएगा वॉशिंग मशीन में जब कपड़े सुखाते हैं तो कपड़े उसके पेरी फेरी पे आ जाते हैं तो इसका मतलब कैसा फोर्स लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ना याद रखिए कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ना वो लग रहा है ब्रह्मांड हुआ वॉशिंग मशीन हुई इन सब में सेंट्री अच्छा मिक्सी जो काम करती है उसमें भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है ठीक है घरों में जो हम ये मिक्सी इस्तेमाल करते हैं ना मोटर वो भी उसके मिक्सी के जार पे साइड में चिपक जाती है ना हर चीज तो सेंट्रिफिकल जहां पे भी चीज साइड में चिपक जाए ना

फॉर्मेशन करता है ठीक है तो कभी भी जो है ना वो किडनी करके आंसर नहीं करिएगा इसमें कई सारे बच्चे जो है ना वो किडनी जो है ना वो दिक्कत करता है यहाँ पे नेक्स्ट देखिए यहाँ पे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर इन उपास्थी के छले किसमें मौजूद होते हैं तो कार्टिलेज जो है ना वो पे होती है अब भैया तुम्हारे घर के आसपास डीजे पहली बात तो ये बता दो कोरोना इतना ज्यादा चल रहा है यहाँ पे उसके बाद सिचुएशन खराब है शादियां बैन कर दी है लोगों ने पचास लोग ही जो आएंगे और दिन में कौन सी शादी हो रही है ये बताओ ये डीजे बज क्यों रहा है इतना बार डीजे डीजे लिख दिया है कि ये बता दो डीजे बज क्यों रहा केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल क्वेश्चन लाएंगे बढ़िया से लाएंगे तुम्हें कितने ये हजारों क्वाइश ऐसी हर क्वाइश पे दम निकले प्रशांत चौधरी पढ़ने से ज्यादा तुम ये सजेस्ट कर रहे हो कि ये मेटोलॉजी के क्वेश्चन कराइए ये करे भाई साहब साँग सब कराएंगे धैर्य रखिए जरा यहाँ पे ना चलिए रिंग ऑफ कार्टिलेज जो है वो कहां पे प्रेजेंट होता है तो आपको थ्रोट या गला याद रखिए थ्रोट जो होता है ना उसका जो ये पूरा फेरिंग्स और अच्छा अब इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड अगर देंगे ना तो आपको ये देंगे कि फेरिंग्स या लेरिंग्स ठीक है तब आपको क्या याद रखना है तब आपको याद रखना है लैरिंग्स क्या याद रखना है लैरिंग्स तो पहले हमारा फेरिंग्स होता है फिर लैरिंग्स होता है और यहीं पे हमारे पास ट्रैकिया या विंड पाइप होता है तो ये जो विंड पाइप और लैरिंग जो है ना इस पूरे हिस्से में ना यहाँ पे ऐसे ना कार्टिलेज के छल्ले होते हैं जैसे रिंग्स जैसे डाल देते हैं क्यों ताकि जब हम सांस जोर से लेना तो हमारा जो थ्रोट है ना वो चोक ना करे ये बताइए द फर्स्ट टेप ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ टेक्स प्लेस इन पहला स्टेप ग्लूकोज के टूटने का कहां पे होता है मैं पूरा प्रोसेस लिख दे रही हूं ग्लूकोज कंपाउंड होता है यहां पे इसको पहले टूटना होता है एसिड में किसमें टूटना होता है अम्ल या फिर पायरविक एसिड जो कि एक कार्बन का है, तीन कार्बन का कंपाउंड होता है उसके बाद पायरविक एसिड जो है वो एनोरोबिक और एरोबिक के हिसाब से जाता है और टूट जाता है सीओ टू और ए में यानी कि कहीं पे ए की संख्या ज्यादा होगी कहीं पे सीओ टू की संख्या जो है वो ज्यादा होगी एक जगह पे 38 एटीपी निकलने होंगे और एक जगह पे खाली दो एटीपी जो है ना वो निकल रहे होंगे और CO2 निकल रहा होगा तो जब ग्लूकोस का पहला स्टेप जो है वो ये बोला जाता है ये होता है पहला स्टेप और ये होता है सेकंड स्टेप है ना तो पहले स्टेप में ग्लूकोस कहां जाके टूटता है तो आपको क्या याद रखना है भाई साइटोप्लाज्म में जाकर टूटता है सेल के साइटोप्लाज्म में और जब सेकेंड स्टेप आपसे पूछा जाए कि भाई सेकेंड स्टेप बताइए ग्लूकोज का ब्रेक डाउन का तब आंसर आप माइटोकॉन्ड्रा लिखोगे जिसके लिए जो साइकिल इस्तेमाल होती है वो कौन सी होती है टीसीए साइकिल जो है ना वो बोली जाती है लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन इज पाउंड देखिए लार्जर लॉन्गर स्मॉलर करके हम बोलते हैं तो हमारी जो छोटी आंत की लंबाई है वो हमारी क्या बोली जाती है सिक्सू वन का रेशियो होता है कि हमारी जो छोटी आंत होती है ना वो छ फीट के आसपास की होती है और एक फीट की जो है ना वो हमारी क्या होती है लार्ज लार्ज इंटेस्टाइन है ना तो लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत हमारी एक फीट है तो हमारी कम से कम जो है ना वो uh, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होगी वो होगी छह फीट के आसपास की राइट right. तो अब ये बताओ मुझे कि जब भी हम ये बोले कि भाई स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो कहाँ पे पाई जाती है लंबी तो हमेशा याद रख लीजिए जो जानवर जितने ज़्यादा घास खाते हैं या जो हरबी बोरस होते हैं जो हरी भरी चीजों पे डिपेंड करते हैं या हरबी बोरस जो होते हैं ना उनमें जो है ना वो मौजूद होंगे ना तो आप लोग याद रखिएगा कि उनमें हमेशा जो जो हमारी ये स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लंबाई होगी ना वो ज्यादा होगी यहाँ पे ठीक है स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई हमेशा ज्यादा होगी तो क्या लिखना है आपको हमेशा हरबी बोरस लिखिए तभी तो हमारे खुद के अंदर भी तो कितनी ज्यादा लंबी है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन है छोटी सी मतलब वन इज टू सिक्स का रेशियो रहता है यहाँ पे काव का होती है तो उस तरीके के जानवरों में यहाँ पे सलाइवा कंटेन्स एन अमाइल सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइन जिसको हम किस नाम से जानते हैं तो सलाइवा के एंजाइम को हम किस नाम से जानते हैं तो अमाइलेज करके याद रखिए भाई सलाइवा के एंजाइम को हम अमाइलेज नाम से जानते हैं द फर्स्ट टाइप इन फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में पहला जो प्रोसेस है ना वो क्या होता है बताइए फोटोसिंथेसिस होना शुरू हुआ प्रकाश संश्लेषण होना शुरू हुआ अब ये बता दीजिए कि प्रकाश संश्लेषण में पहला जो स्टेप है वो क्या होता है पानी टूटता है पहले या एसिमुलेटरी पावर्स जो होती है उनको इकट्ठा करते हैं क्लोरोफिल जो है वो एक्साइटेड होता है या सिंथेसिस ऑफ एटीपी ओके राइट सिंथेसिस ऑफ ये एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल याद रखिए इस क्वेश्चन में हमेशा कभी भी आए ना सबसे पहले क्लोरोफिल ढूंढो क्यों क्योंकि भाई चाहे कितना ही पानी हो चाहे कितनी भी सूरज की रोशनी आ रही हो चाहे कितनी बढ़िया से ना जो ऑक्सीजन वगैरह है काम कर रहे हैं लेकिन अगर क्लोरोफिल अवेलेबल नहीं होगा ना तो जो हमारा जो फो, फोटोसिंथेसिस है ना वो हो ही नहीं पाएगा तो क्लोरोफिल करके याद रखिए भाई क्लोरोफिल जो है ना वो यहाँ पे हमारा क्या करता है एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल की वजह से नहीं नहीं, नहीं नहीं पानी का टूटना जो है ना वो यहाँ पे गड़बड़ रहता है अभी नहीं अभी नहीं पानी अभी नहीं टूटेगा सबसे पहले क्लोरोफिल जो है ना वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे ठीक है सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद उसमें से एटीपी बनाए जाएंगे एटीपी जब बन जाएगा ना तब जाके रात के समय या डार्क रिएक्शन में जो फोटोलिस होती है वो होती है हालांकि इसी प्रोसेस का एक सेकेंडरी पार्ट भी फोटोलिस कहलाता है लेकिन पहला स्टेप याद रखिए क्लोरोफिल की एक्टिवेशन जहां पे एटीपी प्रोड्यूस होगी देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एनर्जी तो आए एनर्जी मिलेगी तभी तो बाकी के काम होंगे तो एटीपी मिलेगा तभी तो बाकी के काम होंगे तो सबसे पहले एटीपी बनाना है जिसके लिए क्लोरोफिल को क्या करना पड़ेगा एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल होगी जो कि हमारा पहला स्टेप बोला जाता है अ हेल्थी ह्यूमन अ हेल्थी ह्यूमन बींग एक्सक्रीट द फॉलोइंग लीटर्स ऑफ यूरिन इन ट्वेंटी फोर आवर्स एक स्वस्थ इंसान चौबीस घंटे में टोटल कितना यूरिन जो है वो उत्सर्जित करता है तो 1.2 टू तो 1.5 लर्न कर लीजिए यहाँ पे तीन लीटर तो क्या ही करेंगे उत्सर्जित यहाँ पे 1.2 टू तो 1.5 करके यहाँ पे याद रखिए ठीक है 1.2 टू तो 1.5 करके याद रखना है राइट नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नहीं आ, सलाइवा में बोला है ना तो सलाइवा में भी माइलेज जो है वो थोड़ा सा मौजूद यहाँ पे होता है स्टार्ज की डाइजेशन होगी ना अच्छा देखो ये किसी को पीछे कंफ्यूजन था देखो सलाइवा जो है ना अमाइलेज होता है ऐसा हमने आंसर दिया था अब कोई बोल रहा है कि पेनक्रियाज भी तो अमाइलेज रिलीज करती है है ना तो पेनक्रियाज भी अमाइलेज रिलीज करती हैं ठीक है अमाइलेज बेसिकली स्टार्च की डाइजेशन के लिए होता है कार्बोहाइड्रेट की तो सलाइवा में ही हमारे मुंह के अंदर ही हमारा सबसे पहले स्टार्च जो है ना वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है तो इसका मतलब उसमें क्या होगा उसमें भी अमाइलेज होगा ऐसा करके पढ़ सकते हो आप ये बताइए नेफ्रॉन्स जो है ना वो किससे रिलेटेड होते हैं तो नेफ्रॉन्स एक्सक्रीटरी अरे वाह क्या बात है रेस्पिरेटरी सिस्टम भी लिख रहे हैं नेफ्रॉन्स जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेट करते हैं क्या बात है शानदार उज्जवल भविष्य की तरफ बढ़ते हुए एक कदम नेफ्रॉन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या बात है नवदीप क्या बात है क्या लिख दिया ये यह? यहाँ पे क्या लिखना है नेफ्रॉन जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो बोला जाता है नेफ्रॉन हमारे सिस्टम का भाग बोला जाता है। शुगर इस इन दी ब्लड कौन सी सर्करा रक्त में काफी मात्रा में मौजूद होती है बताइए कौन सी सरकरा रक्त में काफी ज्यादा मात्रा में मौजूद होती है हमारे शुगर में कौन सी ब्लड मौजूद होती है नहीं हमारे ब्लड में कौन सी शुगर होती है सॉरी हमारे ब्लड में कौन सी शुगर जो है वो मौजूद होती है आराम से लिख देना ग्लूकोज कहाँ दिक्कत आ रही है ग्लूकोज करके लिखिए भाई जब डायबिटीज का टेस्ट कराते हैं तो क्या लिखते हैं ग्लूकोज लिखते हैं ना कि भाई सरकरा का टेस्ट कराइए तो बोलते हैं ना कि ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में इतनी है है ना ये थोड़ी बोलते हैं फ्रक्टोज की मात्रा या सुक्रोज की मात्रा इतनी है ब्लड के अंदर सिंपल वर्ड यूज किया जाता है कि भाई ग्लूकोज की मात्रा इतनी है है ना द प्रोपोर्शन ऑफ रेड ब्लड कॉर्पसल्स एंड वाइट ब्लड कॉर्पसल्स इन ह्यूमन बॉडी मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं और सफेद रक्त कणिकाओं का अनुपात कितना होगा चल जाओ भाई डिप्रेशन में चल जाओ ये डिप्रेशन बहुत पता होगा नहीं डिप्रेशन क्या होता है लेकिन डिप्रेशन में चले गए कोई बात नहीं इंडिया की 80% पॉपुलेशन डिप्रेशन में ही चल रही है मतलब आधे लोगों को ना मुझे ये नहीं पता लगा कभी कि डिप्रेशन ना होता क्या लेकिन आधी जनता ना इंडिया की डिप्रेशन में चल रही है पता नहीं क्यों ये क्या सुबह सुबह ऐसे हाँ भाई इस टाइम पे कहना यही चाह रहे हो ना कि डेली इस टाइम पे क्लास होती है तो इतनी अंग्रेजी क्यों लिखनी है सीधा पूछो हाँ तो डेली इस टाइम पे क्लास होती है आठ से नौ सिक्स हंड्रेड इस लिख देना इसमें यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है अच्छा कल को एग्जाम में अगर मान लीजिए कि सिक्स हंड्रेड वन ऑप्शन में है ही नहीं तो अगर फाइव हंड्रेड ना और बाकी कोई ऑप्शन इसके आसपास नहीं है तो वो भी टिक कर दीजिएगा कोई इशू नहीं है सिक्स हंड्रेड वैसे तो सिक्स हंड्रेड इसका रेशो होता है तो क्या आता है हमारे डब्लू बी सीज और आरबीसी का तो आरबीसी कितने छे सौ उसके बदले एक डब्लू बी सी मतलब छ सौ आरबीसी पे एक डब्ल्यू बी सी भारी है

दिन बाल बोला कि भाई मैं तो बहुत बोर हो रहा हूं यहाँ पे ना तो मुझे कोई ना कोई यहाँ पे पार्टनर चाहिए जो मुझसे अपोजिट सेक्स का हो तो फीमेल जो है ना वो भेज भेज दिया दिया जिसका नाम अब भगवान जी ने उनको मना किया था कि भाई सारे फ्रूट्स खाना कुछ भी करना लेकिन एक पर्टिकुलर पेड़ है जिसपे सेब लगा हुआ है ना वो पेड़ से सेब कभी मत खाना अब महिलाओं में ये चीजें बहुत होती है कि जिस चीज के लिए मना करो वो तो काम जरूरी करना होता है मतलब ऐसा समय ही होता है छोटे बच्चों में पुरुषों में समय होता है पर ये चीज होती है तो क्या आगे आगे जाके फीमेल ने वो एप्पल जो है ना वो लाया एडम को खिलाया एडम ने बोला ये वाला एप्पल तो नहीं है तो ईव ने मना कर दिया कि नहीं ये वाला एप्पल नहीं है और एडम ने खा लिया खाते के साथ ही भगवान जी आ गए कि जिस चीज को मना किया था वही काम कर रहे हो तुम लोग है ना तो अब अपनी सत्ता खुद संभालो और अपनी जो प्रकृति है उसको खुद से डेवलप करो उसी की वजह से ना इसको एडम एप्पल जो है ना वो बोला जाता है ठीक है तो आप थायराइड ग्रंथि याद रखिएगा थायराइड ग्रंथि जो है वो आपकी क्या होती है यहाँ पे कि एडम एप्पल जो है ना वो बोली जाती है ठीक है थायराइड ग्रंथि को हम एडम एप्पल के नाम से जानते हैं है ना डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट इन फॉलोइंग ऑर्गन तो भोजन का पाचन निम्न अंग में से प्र, प्रारंभ होता है तो भोजन का पाचन निम्न किस अंग में से प्रारंभ होता है बताइए डाइजेशन हमारे फूड का जब भी होगा तो कौन से पार्ट में होगा थामस नहीं भाई थाइड बोलते हैं इसके लिए ठीक है थायराइड को नहीं बोला जाता है एडम नहीं भाई एडम एडम आईपीएल चल रहा है तो प्लेयर्स के नाम याद है सारे के सारे थायराइड करके याद रखना है ये क्वेश्चन बताइए डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट इन तब आपको आंसर यहाँ पे माउथ लिखना है ठीक है डाइजेशन ऑफ फैट स्टार्ट इन तब आपको यहाँ पे लिवर लिखना है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट इन तब आपको आंसर क्या लिखना है स्टमक तो मेरी बात ये ध्यान में रखना डाइजेशन ऑफ फूड लिखा हुआ है तो कहने का मतलब है कि स्टार्च लिखा हुआ है ठीक है तो डाइजेशन ऑफ फूड अगर लिखा हुआ है तो कहने का मतलब है कि स्टार्च के बारे में बात कर रहे हैं तब आंसर माउथ करोगे फैट पूछा जाएगा तो लिवर करोगे और प्रोटीन पूछा जाएगा तो स्टमक करके आंसर करोगे यहाँ पे सो द आंसर इज माउथ द फिश ब्रीद हेल्प ऑफ मछली जो है ना वो किसकी सहायता से सांस लेती है तो मछली गिल्स की सहायता से सांस लेती है जिनको हम हिंदी में गल फड़े करके भी बोलते हैं क्या बोलते हैं गल फड़े तो गिल्स किसी किसी में कवर्ड होते हैं और किसी किसी में ना बिना कवर होते हैं यानी कि कवर नहीं होते हैं यहाँ पे तो गिल्स करके याद रखिए इन ह्यूमन डैश इज द कॉमन रूट फॉर फूड एंड एयर मानव में भोजन और हवा के लिए एक कॉमन जो पाथवे है सामान्य मार्ग जो है <laughs> मानव में पवस जो होता है उसके लिए हम क्या बोलते हैं तो फेरिंग्स करके याद रखना है आपको मानवों में फेरिंग्स जो है ना ये कॉमन पाथवे होता है पाथवे होता है जहां से खाना भी जाता है और हवा भी जाती है चिकन पॉक्स इज कॉज बाय विच वायरस मैंने आपको बताया भाई चिकन पॉक्स को हम छोटी माता बोलते हैं चेचक नहीं बोलते चिकन पॉक्स को छोटी माता बोला जाता है आप बता दीजिए कि चिकन पॉक्स जो है वो किसके द्वारा होता है चेचक जो है वो स्मॉल पॉक्स को बोलते हैं ठीक है स्मॉल पॉक्स को और यहाँ पे कोई कंफ्यूजन भी नहीं है कंफ्यूजन तब होती जब हमारे पास ना वेरी वेरी सेला और वेरियोला दोनों चीज मेंशन होते तो यहाँ पे याद रखिए कि छोटी माता चिकन पॉक्स जो है ये होता है वेरी सेला के द्वारा लर्न करने का तरीका मैंने क्या बताया था सी आता है ना इसमें इसमें भी सी लिखना है ठीक है और स्मॉल पॉक्स की जब हम बात करें तो क्या लिखना है आपको वेरीओला ठीक है वेरियोला वायरस तो स्मॉल पॉक्स वेरियोला हो गया और चिकन पॉक्स जो है वो वेरी सेला जोस्टर करके पूरा नाम निरंजन बिल्कुल वेरी सोला वेरी सेला जोस्टर करके यहाँ पे बोला जाता है ठीक है नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे विच ऑफ दी फॉलोइंग सेल दिल फाउंड इन दी प्लांट सेल बट नॉट इन दी एनिमल सेल निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में मौजूद नहीं होता द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एनिमल और प्लांट सेल का डिफरेंस राइट right? तो कौन सी चीज है क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन प्लांट बट नॉट इन एनिमल तो आपको पहले ही ऑप्शन दिया हुआ है क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लांट्स में पाया जाता है पर एनिमल्स में मौजूद यहां पे नहीं होता है ठीक है नहीं होता है तो ये याद रखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन से रिलेटेड अच्छा आपके ये सारे के सारे जनरल साइंस की क्लास जो है वो आपकी छह से सात बजे अन पे होती है और आज जो है ना उसमें फिजिक्स का जो साउंड वाला चैप्टर जो है ना वो हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं तो जिन लोग ने नहीं अभी तक अटेंड किया है अन अकेडमी की क्लासेस प्लीज करके ज्वाइन कर लीजिए यहाँ पे हम थ्योरी का कंप्लीट अच्छा कई सारे बच्चे बोलते हैं भाई कंप्लीट थ्योरी आप कहाँ पे करा रहे हो तो कंप्लीट थ्योरी ना आपकी यहाँ पे चल रही है अन अकेडमी की क्लास में आप ज्वाइन कर जाइए शाम को छह से सात बजे जो है ना वो आपकी साउंड की क्लास होगी और वहां पे कंप्लीट थ्योरी हो रहा है साउंड या फिजिक्स को कंप्लीट करने के बाद ना उसमें बायोलॉजी जो है ना उसको शुरू किया जाएगा उसके अलावा 8000 स्टैटिक जीके की क्लास आपकी संडे को 18 अप्रैल को सुबह आठ बजे है और यही क्लास जो है ना वो सुबह छह से सात डेली होती है तो स्टैटिक जीके की, की एक क्लास जो है ना वो डेली सुबह होती है छह से सात बजे पचास क्वेश्चन वाली और आठ हजार की सीरीज का पार्ट वन ठीक है पार्ट वन जो है ना वो आपका इस संडे होने वाला है सुबह आठ बजे तो उसको ज्वाइन करना भी ना भूलिए मैपिंग की क्लास आपकी अन पे हो रही है तो वो भी एक बार आप ज्वाइन कर लीजिए अपार्ट फ्रॉम इट एस एस सी काम्बेट टेस्ट अन अकेडमी पे दोपहर में 12 बजे हर संडे होता है जो आप ज्वाइन कर सकते हो स्कॉलरशिप का हिस्सा हो सकते हो एस एस की प्राइस मनी भी डिक्रीज कर दी गई है फ्री लाइव क्लास करने के लिए आपको कुछ नहीं करना अन अकेडमी का जो ऐप है ना वो डाउनलोड कर लीजिए और उसमें एस एस सेक्शन में जाके आप यहाँ पे शिप्रा चौहान टाइप करोगे आपको मैं दिखूंगी फॉलो करना है और उसके बाद क्लासेस फॉलो कर लीजिए फॉलो करने के लिए वो आपसे एक कोड पूछेगा तो शिप्रा लाइव जो कोड है ना वो आपको यूज करना है जिससे आपकी क्लास जो है ना वो आप एक्सेस कर पाओगे सारी पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिल जाएंगी और सारी क्लास आपको मिल जाएगी अब इस क्लास की पीडीएफ जो है ना वो आपकी कमेंट सेक्शन में होगी तो पीडीएफ में जाके सॉरी कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट पहला ही वाईफाई स्टडी का जो है वो होगा पहला वहां पे पीडीएफ करके और दूसरा जो है ना वो क्लास का लिंक होगा जिसपे लिखा है फिजिक्स साउंड या साउंड फिजिक्स करके बराबर है मेरी बात अच्छा ये बताइए कल का जो आपका अच्छा ये बताइए कल का पीडीएफ नहीं मिला आपको विजेंद्र यूट्यूब पे कल का पीडीएफ नहीं है क्या पीडीएफ तो अपडेट करना ही है उसमें कहाँ दिक्कत आ रही है पीडीएफ तो आपकी जाएगी ही जाएगी ये कौन है? है अनुराग वो बच्चे भी तो आके कमेंट कर ही रहे हैं ना तो फालतू के कमेंट क्या होता है हैं फालतू में इतना ज्यादा अभी बच्चे फिर कुछ बोल देंगे फिर अच्छा नहीं लगेगा ना तुमको पढ़ाई पे ध्यान दो ये कैसी पंचायती चल रही है चलिए पीडीएफ जो है ना वो आपकी अपडेट हो जाएगी शाम को अकेडमी की क्लास में आ जाइए छे से सात जो है ना वो हम साउंड वाला जो चैप्टर है ना वो कंप्लीट कर रहे हैं कल की पीडीएफ नहीं मिली यूट्यूब में ठीक है विजेंद्र एक बार मैं चेक कराती हूँ अगर नहीं होएगी तो श्योरली विल अपलेट अपडेट विद यहाँ पे आज के साथ ही ठीक है चलिए थैंक यू सो मच आज के लिए टाटा बाय बाय शाम को मिलते हैं और इस क्लास के लिए अच्छा कल सैटरडे है ना सैटरडे आपकी क्लास ही नहीं होगी ठीक है सैटरडे को आपकी ये क्लास जो है वो नहीं होती है तो सैटरडे नहीं आना है कल सैटरडे है सैटरडे इस क्लास में नहीं आना है अभी मंडे आना है और शाम को आ जाइए यहाँ पे इस क्लास के लिए कल अपन बात करेंगे